मैं अमित शर्मा एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कैलेंडर की पिछली क्लास में हमने दिन निकालना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन, मतलब कैलेंडर रिपीट कब होता है। कैलेंडर रिपीट होने से मतलब ये है कि मान लीजिए कि 2022 की 1 जनवरी को अगर जो दिन होगा, वही हमारा आगे किस साल में 1 जनवरी को सेम दिन आएगा। तो आइए आज हम सीखते हैं कैलेंडर रिपीटेशन। यहाँ देखिए, कैलेंडर का पुनः प्रयोग, मतलब किसी भी कैलेंडर का हम पुनः प्रयोग कब कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 3 स्टेप को ध्यान देना होगा, मतलब 3 पॉइंट्स को ध्यान देना होगा, जो कि हमारा है। पहला पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट्स हमारा है साधारण वर्ष और प्लस साधारण वर्ष। जैसे साधारण वर्ष के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऐसा वर्ष जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। तो देखिए, साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष वो है जो कि हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ये साधारण वर्ष हमसे पूछा जाएगा, तो हमें ध्यान देना क्या है, ये साधारण वर्ष से पहले अगर साधारण वर्ष आता है तो हमें क्या करना होगा, जो भी वर्ष हमसे पूछा जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। फिर देखिए, यहाँ दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर साधारण वर्ष से पहले, यहाँ देखिए, ये साधारण वर्ष ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर इससे पहले हमारा लीप वर्ष आता है, उससे पहले अगर लीप वर्ष आएगा तो हमें क्या करना है, उसमें 6 वर्ष जोड़ देना है। और लीप वर्ष के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है कि जो 4 से विभाजित हमारा हो जाता है। यहाँ देखिए, जैसे ये तीनों स्टेप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब एग्जाम देते हैं हम, तो हमें ये सारे वर्ष जोड़ने पे, जो मैं पहले बता चुका आपको कि साधारण, यहाँ देखिए, साधारण वर्ष में 11 वर्ष जोड़ना है, साधारण के पहले अगर साधारण होगा तो 11 वर्ष जोड़ना है, साधारण से पहले लीप होगा तो 6 वर्ष जोड़ना है, और केवल लीप वर्ष होगा तो 28 वर्ष जोड़ना है। अगर हमारा ये जोड़ने पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो हमें वही स्टेप दोबारा फॉलो करना होता है। जैसे इससे पहले एक बार ELP में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, कि जैसे आपसे क्वेश्चन वो पूछा था कि 2020 का कैलेंडर हम फिर से कब इस्तेमाल कर पाएंगे, तो अगर हम इसमें 28 जोड़ते हैं तो हमारा होना चाहिए था 2048, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमें क्या करना है, वही स्टेप हमें एक बार और करना है, मतलब इसमें 28 फिर जोड़ना है। तो देखिए, 8 8 16 4 2 6 1 7 2076, ये हमारे ऑप्शन में था। आइए अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, 2022 का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, 2022 की बात कर रहा है, यहाँ देखिए 2022 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि उससे पहले का वर्ष देखना है। उससे पहले कौन सा वर्ष आएगा आपका, 2021। देखिए, साधारण से पहले साधारण, यहाँ देखिए लास्ट में 22 और लास्ट में 21, ये क्या है, दोनों साधारण वर्ष हैं। तो साधारण वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, हमसे पूछा क्या है 2022, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें, और देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं कि साधारण से पहले अगर साधारण होगा तो हमें क्या जोड़ना है, 11 वर्ष उसमें ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए इसमें 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2033, ठीक है। अब देखिए, अब हम कैसे समझें कि ये हमारा सही होगा कि नहीं। हम जो है पिछली क्लास में दिन निकालना पढ़ चुके हैं, अब यहाँ देखते हैं कि क्या जो है हमारा दिन सेम आता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि क्या हमारा कैलेंडर रिपीटेशन सही है या फिर नहीं। तो हमसे देखिए, 2020 का हम दिन निकालते हैं, फिर 2033 का दिन निकालेंगे, अगर हमारा विषम दिन या फिर दिन जो है समान आ जाएगा, तब तो हम कह सकते हैं कि हम उस कैलेंडर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आइए, और दिन निकालने की प्रक्रिया को हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे हम क्या करते थे, पहले वर्ष को लिखते थे, फिर जो है
जैसे मान लीजिए हम इसको कोई भी, ये जनवरी मानते हैं, हम कोई भी डेट ले सकते हैं, जनवरी मानते हैं। मान लें हम कि 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पहली बात तो हम यहाँ लिख दे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपसे, जनवरी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए जैन की बात हम कर रहे हैं, जैन मतलब फर्स्ट जैन की बात हम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट जनवरी आपका 2022 में भी निकाल के देखेंगे और फिर पहली जनवरी 2033 में भी निकाल के देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि दिन हमारा समान आता है कि नहीं। तो देखिए, पहले हम वर्ष लिखते थे, फिर वर्ष को 4 से डिवाइड करते थे। यहाँ आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 4 × 5 = 20, यहाँ देखिए 2 भाग नहीं जा रहा है, 4 × 5 = 20। और फिर देखिए यहाँ पे जनवरी हमसे, फिर हम क्या करते थे, मंथ कोड लिखते थे। मंथ कोड हमारा जनवरी का क्या था साधारण वर्ष के लिए, वो हमारा था 7। यहाँ देखिए 7। और फिर जो है हमसे, हम जो है डेट लिखते थे, डेट यहाँ किसकी बात कर रहा है, 1 जनवरी की। यहाँ देखिए 1 जनवरी, फिर हम क्या करते थे, इसको ऐड करते थे। यहाँ देखिए जोड़ने के बाद जो आता था उसको हम 7 से विभाजित करते थे। आइए पहले जोड़ के देखते हैं, यही प्रक्रिया हम इसके साथ करते हैं। यहाँ देखिए 4 × 5 = 20 और फिर देखिए 3 × 4 = 32। देखिए यहाँ भाग का आप लोग खुद से दे सकते हैं। यहाँ देखिए बस भाग देने में जो हमारा भागफल आता है, हम उसी को लिखते थे, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, बस भागफल लिखते थे, रिमाइंडर हमारा जो भी आता था हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था। यहाँ देखिए 1 जनवरी की बात कर रहा है, फिर यहाँ मंथ कोड, यहाँ देखिए ये साधारण वर्ष है तो उसके लिए जनवरी का मंथ कोड 7 था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए 1 जनवरी की बात कर रहा है, यहाँ दोनों को जोड़ते हैं हम। यहाँ देखिए 2, 5, 7, 7, 14 और 1 15। यहाँ देखिए 2 और 1 = 3, यहाँ 5 और यहाँ 2, इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 3, 8, 3, 11, 7, 18, 1, 19 और 3, 1, 4 और 5 और यहाँ 2। अब क्या करते थे हम, दोनों को 7 से विभाजित करते थे। आइए मैं यहाँ 7 से विभाजित करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले हम 2535 जो हमारा आया हुआ है, इसको सबसे पहले हम 7 से विभाजित करते हैं। पच्चीस सौ पैंतीस, इसको हम 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 * 3 = 21, यहाँ 4 और फिर 3 × 7 = 42 और यहाँ 1 और यहाँ 5 और 7 × 2 = 14। यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आया हमारा, 1। तो यहाँ अगर मैं विषम दिन या फिर रिमाइंडर की बात करूँ तो कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ऑड डेज, ऑड डेज जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, 1 आया। 1 का मतलब, 1 का मतलब 0 से हमारा फ्राइडे स्टार्ट हो रहा था, 1 का मतलब क्या होगा, शनिवार, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा ऑड डेज सेम आ रहा है, यहाँ भी हमारा क्या कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आइए देखिए फिर 2549 को हम जो है 7 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ 7 से इसको डिवाइड करके देखिए, 7 * 3 = 21, यहाँ 4, फिर 4 उतरेगा, फिर 7 * 6 = 42, यहाँ देखिए 2 और फिर यहाँ पे 9 और 7 * 4 = 28। यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना आया, 1। यहाँ भी देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 1। यहाँ आपका ऑड डेज क्या होगा, ऑड डेज कितना आ रहा है आपका, 1। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हम क्या कर सकते हैं, कैलेंडर को रिपीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब आपका शनिवार, पीछे आप लोग चार्ट में देख सकते हैं, 1 का मतलब शनिवार। यहाँ पे 1 आया मतलब इस 1 का भी मतलब शनिवार, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम 2022 का कैलेंडर फिर कभी यूज कर सकते हैं 2033 में। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे दूसरे रूल को फॉलो करता है। यहाँ देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, 2021 का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए बात कर रहा है हमसे 2021 की, यहाँ देखिए 2021 की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इससे पहले कौन सा वर्ष है वो देखना है। तो 2021 से पहले हमारा आएगा 2020, 2021 से पहले आता है 2020। यहाँ देखिए फिर जो हमारा नियम कह रहा था कि जब भी साधारण से पहले लीप वर्ष आएगा तो हमें क्या करना था,
छह वर्ष उसमें ऐड कर देना था। हम क्या करेंगे अब 2021 में छह ऐड कर देंगे। 2021 में जब हम छह ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 2027। अब देखिए, अब हम देखते हैं दिन निकाल कर कि क्या जो है हमारा कैलेंडर पुनः प्रयोग होगा। ऑड डेज हम निकालेंगे, उसके बाद अगर बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिन भी बराबर आएगा। आइए तो 2021 का और 2027 का हम दिन निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले जो हम पढ़े हुए थे, पहले वर्ष, उसके बाद वर्ष को चार से भाग देना था, चार पंचे बीस। रिमाइंडर क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता था। यहां देखिए, यहां भी हम एक जनवरी की ही बात करेंगे, यहां भी हम एक जनवरी की ही बात करेंगे। आप किसी भी डेट की बात कर सकते हैं। यहां देखिए, फिर साधारण वर्ष के लिए हमारे मंथ कोड जनवरी का 7 और 1 जनवरी हम डेट लिखते थे, फिर क्या करते थे इसको जोड़ते थे। यहां भी वही करते हैं पहले। यहां देखिए, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, रिमाइंडर 3 बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर जनवरी मंथ का कोड 7 और फिर डेट की बात करें 1, अब फिर इसको भी जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 1 5 1 6 7 6 13 और 1 14, 2 2 2 और 1 3, यहाँ 5 और 2 यहाँ। अब देखिए, फिर इसको जोड़ते हैं, 7 6 13 13 और 7 20, 20 और 1 21, ये 1 हासिल 2, 2 और 2 4, यहाँ देखिए 5 और 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज निकालने पे अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं दिन बराबर होगा। सबसे पहले हम इसका ऑड डेज निकालते हैं 2534 का। यहाँ देखिए, 2534 का हम ऑड डेज निकालते हैं। ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 से विभाजित करते हैं। ऑड डेज की परिभाषा भी आपकी होती है कि दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पे जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। यहाँ देखिए, 7 त्रिक 21 4 3 उतरेगा 7 छंग 42, 1 यहाँ 4 उतरेगा 7 दुना 14, यहाँ देखिए रिमाइंडर आपका 0 आ गया। हम रिमाइंडर को ही क्या कहते हैं, विषम दिन। तो इसका ऑड डेज आपका आया 0। फिर देखिए, वही काम हम इसके साथ करेंगे। 2541 का अब हम ऑड डेज निकालते हैं। देखिए, यहां मैं अलग से 2541 का आपको ऑड डेज निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए, 7 से विभाजित करना है 2541 को। यहां देखिए, 7 त्रिक 21 4 और यहां पे 4 7 छंग 42 2 और 7 त्रिक 21, यहां देखिए इसका भी आउट डेज क्या आया, 0। इसका भी आउट डेज आया 0। और 0 का मतलब हमें पता ही है, 0 का मतलब कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। यहां देखिए, ये भी 0 आया हुआ है, तो इसका भी मतलब फ्राइडे और इसका भी मतलब फ्राइडे। मतलब हम कह सकते हैं कि 2021 का जो कैलेंडर है उसको हम 2027 में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं वो हमारा कौन सा रूल अप्लाई करेगा। तीसरे देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है कि 2020 का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से टूट जाते हैं दिल, ये इश्क मोहब्बत की बातें किताबों में रहने दो। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए, अगले महीने आपको पेट देना है। और देखिए, तीसरे एग्जाम्पल के अब हम आइए अपने तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लीप वर्ष से रिलेटेड था। यहाँ देखिए, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हमें करना क्या था, डायरेक्ट 28 जोड़ देना था। यहाँ देखिए 2020, यहाँ देखिए 2020, तो हमें जब भी ये बोला गया था कि जब भी लीप वर्ष आएगा तो हम क्या करेंगे, 28 उसमें जोड़ देंगे।
इसमें अगर 28 जोड़ेंगे तो 2020 में हम 28 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 2048। अब देखिए 2048 का विषम दिन निकालते हैं और 2020 का विषम दिन निकालते हैं, अगर दोनों का विषम दिन बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि 2020 का कैलेंडर हम फिर जो है 2048 में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम 2020 का विषम दिन निकालते हैं, देखिए 4 × 5 = 20। देखिए दिन निकालना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात, देखिए यहाँ पे भी हम 1 जनवरी की ही बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, 1 जनवरी की, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि 2020 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष के लिए जो मैं मंथ कोड बताया था आपका उसमें जनवरी का कोड जो था वो 6 था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। देखिए जनवरी का मंथ कोड 6 और 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं तो 1, ठीक है। यहाँ देखिए और फिर इसमें भी देखिए 4 × 5 = 20 और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। और देखिए ये भी 2048 भी आपका लीप वर्ष है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जनवरी का जो मंथ कोड होगा 6 उसको लिखेंगे, फिर एक तारीख लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे। आइए दोनों को पहले जोड़ते हैं, यहाँ देखिए 5, 6 × 5 = 11 और 1, 12 × 2 = 2 और 1 = 3, 5 और 2। और फिर देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं 8, 2, 10, 6, 16, 1, 17, 17 + 7 = 4, 1, 5, 1, 6 और फिर 2। देखिए अब हम इसको जो है क्या करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं, 7 से विभाजित करने पे हम इसका ऑड डेज निकल आता है, तो 7 से पहले विभाजित करके देखते हैं इसको 2532 को और 2567 को। यहाँ देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार विभाजित करके देखिए भाग तो सभी को आता होगा तो हम क्यों ना इसको जो है डायरेक्ट विभाजित करके आपको ऑड डेज बता दें। देखिए 7 से मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ देखिए 7 × 3 = 21, 4 × 3 = 7, 6 = 42 और देखिए 7 × 7 = 5, 12। तो यहाँ पे देखिए ऑड डेज की बात करिए आप, यहाँ पे देखिए ऑड डेज कितना आ रहा था 7 × 7, यहाँ पे ऑड डेज आ रहा था 5। यहाँ देखिए अब इसको जो है हम 7 से विभाजित करके देखें, यहाँ देखिए इस साइड में मैं कर दे रहा हूं, यहाँ देखिए 7 × 3 = 21, 4 और जो है फिर 4 × 6 = 7, 4 × 7 = 42। तो यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑड डेज आपका, यहाँ पे भी कितना आया आपका, आया 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑड डेज 5 आया, यहाँ पे भी, यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऑड डेज आपका कितना आया 5। तो 5 का मतलब क्या होगा हमारा, बुधवार, 5 का मतलब यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए 5 आया, तो 5 का मतलब बुधवार या तो वेडनेसडे। ये देखिए वेडनेसडे, देखिए यहाँ क्लियर हो गया कि हम जो है 2020 का कैलेंडर कब इस्तेमाल कर सकते हैं, 2048 में। अब देखिए अगले जो है हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगला एग्जाम्पल नहीं, देखिए हमारा 3 ही नियम था, तीनों नियम तो हमने जो है कर लिया। उसके बाद देखिए एग्जाम में उनका जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का वो ये होता है, देखिए देखिए वो क्वेश्चन को इस तरह से पूछते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने शादी की सालगिरह 26 फरवरी 2019 में दिन मंगलवार को मनाया था तो वह उसी दिन अपने शादी की सालगिरह कब मनाएंगे, कब मनाएंगे। तो देखिए बात अब किसकी कर रहा है, अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 26 फरवरी जो है जो कि मेरा जन्मदिन है तो मैं एग्जाम्पल में क्या किया था उसी को ले लिया था, ठीक है। तो 2019 की पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 से पहले की बात हम देखें कि कौन सा वर्ष है, तो 2019 से पहले आता है आपका 2018। यहाँ देखिए आपका कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, साधारण से पहले साधारण, तो हमें क्या करना था 11 वर्ष जोड़ देना था। यहाँ देखिए आपका जब हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2030। अब देखिए ये आपका आंसर हो चुका है 2030,
अब देखिए इसको हम प्रूफ कर लें, यहाँ पे अगर ऑड डेज बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑड डेज बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं क्या कि जो है कैलेंडर 2019 का हम कब जो है इस्तेमाल करेंगे 2030 में, या वो शादी की सालगिरह उसी दिन कब मनाएगा 2030 में होगा। बाकी देखिए पीछे तीन जो नियम हम पढ़े हैं वहां से आप इसको भी निकाल के देख लीजिएगा। तो देखिए कैलेंडर अभी तक हमने जहां तक पढ़ा आज की क्लास में, देखिए कैलेंडर रिपीटेशन की जब भी बात करेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा, उनके पूछने का तरीका जो है कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन क्या होगा इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए हम दो क्लास कर चुके हैं जिसमें हम दिन निकालना सीख चुके और जो है जिसमें कैलेंडर का रिपीटेशन हम सीख चुके हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, किसी तरह की समस्या होने पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।